यही मुझे ताने मार मार के जिम ला रहा है। इंच लॉस अभी पॉसिबल हुआ ओनली विद वेट ट्रेनिंग, लेकिन जो सबसे टाइम लेता है वो है इसका बैग है ये। ऑफ कोर्स आई एम बंगाली, ऑफ कोर्स आई ईट फिश। बाबा पता, एक तो यही ना हो पाइल, उसके ऊपर उसको और डिफिकल्ट कर देना। भाई और बहनों, नो बहनों एंड बहनों, क्योंकि आपके पते की बात है, यही मुझे ताने मार मार के जिम ला रहा है। तभी मैं पतली हो रही। वेट ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत ज़्यादा कार्डियो 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 भर दिया था, मतलब थक रही थी, टाइम भी दे रही थी, लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं दिख रहे थे। तो रिज़ल्ट दिखने लगे, जिसके लिए आज मैं फोटोशूट करने जा रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। जो कि मैं अभी भी प्रॉपर रेगुलर नहीं हूँ, पर बहुत ताने मारते, मतलब ताना सुन सुन के मैं अभी पतली हो गई, शर्मंदगी के मारे। क्या बढ़िया था गुरु। मैम अगर एंड तक जाओगे ना तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। आ जाओ, चल स्टार्ट। रंगमंच का पूजा है, हम सबको आना था, क्योंकि विभीषा पहली बार उसमें पैर रखेगा। आज रोमांच का गृह प्रवेश का पूजा है, दिबिशा को लियाना को बुलाया था, लेकिन लियाना तो नहीं आ पाएगी, उसका स्कूल है, स्कूल में रिहर्सल है, बहुत कुछ है। मैंने बोला था अब भेज दे, लेकिन नहीं, दिबिना एकदम बच्चे के लिए। सोचा था वो एक लड़का क्या करेगा, कितना अच्छा सजाया, प्रॉपर चीज सब जगह पे रखा, अलमारी में कहाँ जो जो जिधर रखना है। मैं दार्जिलिंग गई थी रोमांच के लिए, चार बुद्धा लेके आई थी। ये रोमांच का मम्मी पापा है, इतना हैंडसम था, तभी तो लड़का हैंडसम हुआ ना। अभी इसका नीनी का टाइम आ गया, बेचारा है कौन घर पे, तो एलेक्सा का गाना सुन के इसको सोना आता है। अभी ये फोन पे बता रहा है, जे फोन पे लगा वो गाना। दीपिशा के मौसी ने लेके आई हम सबको। Congratulations, Romance. Love, love, love your house. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। कितने दिया मुझे?
विभीषा शोक सो गई है, कल 12 बज चुके। हाँ, इसका अभी उसका सोने का ही टाइम है। मुझे इतना जुकाम हुआ बाबा, इसीलिए उसको सुला दिया। मैं तो रोगी उसको ले गृह प्रवेश करेगा उसी के साथ। बोल रहे आगे का पूजा कर लेते हैं, फिर 5 मिनट सोन दो, अगर उठ गई है तो सिर्फ पैर पड़वा लेते हैं उसके। अरे मेरा बच्चा, बढ़िया कर लेते हैं पंडित जी, गृह प्रवेश कर लेते हैं। अरे वाह दिविशा, मैं छोटा सा बेटा। लोग राइट पैर करके ही अंदर आएंगे, ठीक है? सिर्फ एक बार राइट पैर इसका आगे। One hour later. मैं आ गई घर। This is called racing against time. इकट्ठा सारा काम जब करना होता है एंड यू कांट मिस इट। आपने देख लिया सुबह मैं जिम फिनिश कर चुकी हूँ। सो थोड़ा सा मैं बता दूँ व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन टुडे। तो आज 800 के बाद मैंने एक फोटोशूट रखा है अपना, एंड क्योंकि मैंने ये फील किया है कि मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ है। वेट लॉस इज अ रॉन्ग वर्ड, इंच लॉस हुआ है। And this has happened because of workout. तो सुबह मैं आजकल workout miss नहीं कर रही हूँ, whether it is aerial yoga one of the days and weight training. Actually, you know, पिछले कुछ महीनों से on and off हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा stress दे रही थी cardio में। Cardio मुझे करना अच्छा लगता है और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं, क्योंकि पसीना आता है और आप हाँफते हो, तो cardio करके ऐसा फील होता है कि बहुत वर्कआउट किया है, लेकिन उससे उतना रिजल्ट मिलता नहीं है। हार्ट कंडीशनिंग अच्छा होता है फॉर श्योर, कार्डियो इसलिए करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस या इंच लॉस नहीं होता है। इंच लॉस अभी पॉसिबल हुआ ओनली विथ वेट ट्रेनिंग, और इसके लिए मैं श्रेय गुरु को दूंगी, बिकॉज ही वॉज आफ्टर माई लाइफ। मतलब ऑलमोस्ट मुझे खींच के जिम लेके गया और उसने मुझे एनरोल कराया, और सिर्फ एनरोल ही नहीं करा, एक पर्सनल ट्रेनर पे पीछे लगाया, जो बहुत मतलब मैसेज कर करके मुझे बुला लेते हैं। बहुत जाती हूँ, बहुत ऑन एंड ऑफ होता है, मतलब सुबह नहीं जा पाती हूँ बिकॉज ऑफ यू नो घर में बहुत, सुबह बहुत ऐसा लगता है आई एम लाइक इन हाई डिमांड, और तब मैं शाम को चली जाती हूँ, बट मैं जाती हूँ। सो टुडे इज़ द डे जब मेरा शूट भी है और रोमांच के घर में गृह प्रवेश भी है, और गृह प्रवेश में उन रोमांच ने ऑब्वियसली उस दिन मैंने कदम रखवा दिया था दोनों लक्ष्मियों का, हु इज लियाना एंड दिविशा, तो दोनों ने कदम ऑलरेडी रख दिया। लेकिन आज भी रोमांच आ रहे थे कि दोनों बच्चे पहुंचे, लेकिन लियाना स्कूल गई है। इसके पीछे भी मैं बता दूं, पिछले व्लॉग में बहुत लोगों ने लिखा है यू नो आपने दो तीन चीज़ें, एक तो बहुत ही वियर्ड कमेंट है जिसको मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे रही हूँ, कि यू नो मैंने दिविशा का कदम पहले रखवाया। हदी है, छोटे बच्चे किसने पहले कदम रखा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन लोगों ने नोटिस किया, कुछ लोगों ने, आई विल नॉट से लोगों ने, बिकॉज देर आर पीपल हु लव माई व्लॉग्स। तो वो जो कुछ
संख्या ऑफ वियर्ड पीपल है जो हमेशा उटपटांग चीज़ें नोटिस करते हैं, उन लोगों के थोड़ा सा मेंशन किया, बट आउट आउट ऐसे सारे सोच वाले लोग मुझे चाहिए ही नहीं। तो आज दिविशा को मैंने भिजवा दिया था इस तरफ। मैं लियाना को स्कूल ड्रॉप करी, फिर मैं खुद जिम गई और जिम से अभी मैं घर आई, आपने मेरा वर्कआउट देख लिया। उस तरफ आपने ये भी देखा कि मतलब रोमांच के घर में किस तरीके से पूजा हो रहा, मेरा पूरा परिवार पहुंचा है, मेरे पूरे परिवार में है, मेरे मम्मी पापा, पापा गए नहीं बिकॉज पापा की तबीयत उतनी, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि वहाँ पे जाके नो मिठाई विठाई खा ले, तो इसीलिए पापा को घर पे ही रखा है। जितना आराम से रहेंगे, आराम करेंगे उतना अच्छा है। अंकल आंटी जिसके लिए आप बोलते हैं कि मैं मम्मी पापा क्यों नहीं बोलती, बट इट इज़ ओके, आई फील ग्रेट कॉलिंग देम अंकल आंटी बिकॉज आई फील दैट कनेक्ट, बचपन का कनेक्ट, क्योंकि उनको भी मैं 17 साल से जानती हूँ ना, मतलब 17 साल की उम्र से जानती। कमिंग बैक टू इट, वो भी गए, दिविशा भी गई है, मैंने एक लक्ष्मी को भेज दिया। लियाना को नहीं भेजने के पीछे का एक कारण है कि 18 तारीख को लियाना के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो उसके लिए उसके स्कूल में रिहर्सल हो रहा है। आई गॉट दिस फीलिंग यू नो, जबकि मेरे घर वाले बोल रहे थे तो छोटी है उसका स्कूल, क्या भेज दो ना पूजा में तो ये सब कुछ, बट आई फेल्ट यू नो जब मैं छोटी थी, इट्स नॉट अ कम्प्लेन, बट आई फील दैट जो मैंने फील किया मेरे बच्चे के दिमाग में कभी ये फीलिंग ना आए। यू नो मैं बहुत एक्टिव चाइल्ड हुआ करती थी, मैं हर चीज़ में आगे जाके पार्टिसिपेट करती थी, जैसे कि एनुअल फंक्शन हो या यू नो स्पोर्ट्स डे हो, मार्च पास्ट में मैं कमांड करती थी, यू नो टर्न राइट टर्न लेफ्ट लेफ्ट राइट जो कमांड दे करते हैं, तो ऐसे मैं कमांडर हुई थी और पूरा मतलब हमारा यू नो रिहर्सल हो रहा था। लेकिन मम्मी पापा ने कुछ वेकेशन प्लान किया था और हमारा स्पोर्ट्स डे में ही वेकेशन प्लान हुआ था, तो मम्मी पापा मुझे लेके चले गए और मुझे अचानक लगा कि मैंने इतना जो सीखा था, मैंने स्कूल में बोला कि मैं तो नहीं हूँ, और मुझे थोड़ा सा डांट तो नहीं पड़ा था, स्कूल ने बोला ओके ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया, मुझे रिप्लेस कर दिया दूसरे स्टूडेंट से। बट आई फेल्ट यू नो उस टाइम पे इट्स ऑब्वियसली फॉर द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, इतनी छोटी हूँ उसका क्या स्पोर्ट्स डे, उसका क्या स्कूल, उसका क्या वो, लियाना इज नॉट इवन 2, एक्चुअली सोचा जा सकता उसका क्या स्कूल, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, छोड़ो ना उसको उधर लेके जाओ फैमिली फंक्शन में, फैमिली कमिटमेंट में। बट आई समहाउ फेल्ट कि मे बी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हर, और उसके लिए अभी रोज़ रिहर्सल करना ज़रूरी, बहुत छोटी है उसको याद नहीं रह रहा है, तो स्कूल ने बोला है कि यू नो मिस मत कराइए स्कूल, सो आई रियली डोंट वॉन्ट लियाना टू मिस द स्कूल एंड आई हैव सेंट हर। आई फेल्ट दैट यू नो हम बहुत वो लोग को छोटा समझ के उन लोग की जो कमिटमेंट को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, बट उन लोग के लिए वो चीज़ उनका लाइफ है, उनका हो सकता है इम्पॉर्टेंट है, मैं आज से ही उसको इम्पॉर्टेंट मानूंगी, तो यू नो हमेशा मैं उसके कमिटमेंट्स को इम्पॉर्टेंट मानूंगी। दिस इज व्हाट आई फील, लेट मी नो इफ आई एम राइट एंड रॉन्ग, बिकॉज राइट और रॉन्ग, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो आपके कमेंट्स आते ही है, सो एंड आई रीड देम, मैं कभी कभी करेक्ट भी करती हूँ, मैं कभी कभी वापस जाके ब्लॉग में देखती हूँ क्या ऐसा हुआ है, कभी मुझे खुद को नोटिस होता है कुछ, कभी मुझे लगता है रियली इसको लेके बोल रहे, बट समहाउ इट्स अ कनेक्ट between you and me in through the comment section and I really enjoy reading your comments, so bhar bhar ke comments kijiye, mujhe bataiye if this soch is right and wrong. To abhi kyunki main kafi patli hui hu aur confidence aaya hai you know white pehen ke and pet kitna andar gaya hai, kitna andar bol rahi hu, main ye nahi bol rahi hu ki ekdam pichak gaya hai, you know as a mom of c section नाउ आई फील कि मतलब भले ही आपके हाथ पांव फेस पतला हो जा रहा है, सब गले का यू नो हड्डी ये द कॉलर बोन बाहर आ गया, लेकिन जो सबसे टाइम लेता है वो है क्या बात है? आ, 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 आ। क्या कर रहे है यार तू, मजाक है क्या? कौन आया है? थैंक यू। कल रात को मेरा ड्रेस ट्रायल हुआ, मतलब आज क्या क्या मैं पहनूंगी, उससे पहले ये फिश दे देती हूँ। Of course I'm Bengali. Of course I eat fish for morning, dinner, lunch, breakfast, even midnight. You know, fish banaya aadhi raat ke liye. Ye kya baat karta hai yaar? So, ha, main kahan bol rahi thi? This paunch, bahut time lagta hai jaane mein.
और ऐसा नहीं कि मैं अभी साइज स्मॉल या एक्सेस में आ गई हूँ, पहले मैं XS थी, एक्स्ट्रा स्मॉल, अभी मैं मीडियम में आ गई हूँ, वो भी लाइक द लोअर साइड ऑफ मीडियम, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. ये जो जर्नी है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए मैं इसको एक फोटोशूट करके रख रही हूँ. और फिर आफ्टर 4-5-6 मंथ्स व्हेन आई अगेन गेट बैक टू एक्सेस, यू नो दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. मैं सोच रही हूँ कि इन 6 मंथ्स व्हेन आई विल बी एक्सेस आई विल डू अनदर फोटोशूट एंड मैं खुद भी अपना रिजल्ट देखूंगी. सो From this to this will be another journey. तो यहाँ बोल रही थी ना, कल रात को हम लोग एक आउटफिट ट्रायल कर रहे थे. ये एक्चुअली एक स्कर्ट है जिसका मैं ट्रायल किया, और लियाना को ये स्कर्ट इतना अच्छा लग गया, उसने ये स्कर्ट दिया ही नहीं स्टाइलिस्ट को, वो ऐसे यहाँ पे फ्रॉक जैसे पहन के घूम रही थी. ऑब्वियसली बहुत लूज था तो पीछे से मैंने ऐसे पिन कर दिया था. उसको ये इतना अच्छा लगा उसने रख लिया अपने लिए. सोचिए अभी से उसको मतलब कितना पसंद नापसंद हो गया है. सारे ड्रेसेस में उसको ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा. वैसे सुबह से अभी तक का अपडेट हो गया है, नहाती हूँ क्विकली, लियाना को भी पिक करना पड़ेगा बीच में बिकॉज दैट्स द मॉमी ड्यूटी, और उसके बाद जाऊंगी मैं शूट पे. सो कम विद मी. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. मेनी मेनी मिनट्स लेटर. सीट बेल्ट लगाना है ना लियाना? पापा. हाँ, तुमने कौन से फ्रेंड का नाम लिया आज? पापा ने. बैठो बैठो, पापा से बात करेंगे. चल चल ना सीट बेल्ट. तुझे डोंट सेट लिया ना, सीट बेल्ट कैसे लगाएंगे? क्विकली. हाँ क्या बब्बू? चलो चलो इधर बैठ जाओ बैठ जाओ. सीट बेल्ट लगाना है, बात करना है ना लियाना. चलो सीट के करते ना सीट. हाँ मुझे भी खोलना यानी. आज क्या है बोलो तो? हम लोगों को ना एक जगह पे जाना है. मम्मा को कहाँ जाना है बोलो तो? बैग ले लो. किसका बैग है ये? लियाना का बैग है. पता है लियाना, फिर ना वो मच्छर गाड़ी में घुस गया. बहुत बड़ा सा मच्छर. कितना बड़ा? इतना छोटा. ठीक है, तो इतना छोटा सा मच्छर गाड़ी में घुस गया, लेकिन इतना छोटा मच्छर ने जब बाइट किया इतना बड़ा होके फूल गया तुम्हारे पाँव में. ठीक हो गया लियाना कि अभी भी वो है? खुजली हो रही है? खुजी हो रही है? दो खुजी कर देते. देखो ऊपर कितने सारे बर्ड साथ में फ्लाई कर रहा है. सी स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाओ, लेफ्ट घुमाओ. यस अभी स्ट्रेट करो, स्ट्रेट करो. यस पहुंच गए. तो मेरे न्यू फ्रेंड का नाम है ना? आओ आओ आओ.